नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज फिर से स्वागत है आप सबका हमारी रसोई में। तो आज हम बनाना सीखेंगे कीमा और कलेजी की रेसिपी। तो चले रेसिपी की तरफ। तो ये है कलेजी 1 पाव दोस्तों, और इसमें है कीमा भी साथ में ही है, वो आधा केजी लिया है हमने। और ये है कटा हुआ प्याज, जो हमने 5 प्याज को काट लिया है मीडियम साइज। और ये है हरी मिर्च, जिसे छोटे छोटे काट लिया है हमने। और ये है 2 तेज पत्ता, धनिया पत्ती। और ये है जीरा। और ये है टमाटर दोस्तों, 2 कटा हुआ। और ये है नमक। और मसालों में है हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच, मिर्च पाउडर 3 चम्मच, और जीरा पाउडर 2 चम्मच, और गोलकी पाउडर है 1 चम्मच, और धनिया पाउडर है 2 चम्मच। और ये है गरम मसाला, मतलब मीट मसाला है दोस्तों, गरम मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे, मीट मसाला ये है 2 चम्मच। और ये है नमक और ये है तेल। तो गैस को हम जला चुके हैं और कढ़ाई को चढ़ा चुके हैं। अब कढ़ाई को अच्छी तरह से, और ये है दोस्तों मटर, और ये दोस्तों मैं भूल गई थी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हमने 2 बड़े चम्मच लिया है। और अब हम कढ़ाई को चढ़ा चुके हैं, पूरी तरह से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें तेल डालेंगे दोस्तों। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे दोस्तों। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है दोस्तों। तो 1 चम्मच हम छोटे चम्मच से जीरा डालेंगे, इसे चटकने देंगे थोड़ा, और ये तेज पत्ता भी डाल देंगे साथ में। और ये जो है प्याज और मिर्च, अब हम अभी ही डालेंगे दोस्तों। अब हम इसे भूनेंगे, ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे दोस्तों। प्याज को अच्छी तरह से हमें ब्राउन करना है, तो आप 1-1 मिनट में इसे चलाते रहें। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है दोस्तों, इसे हमें जलाना नहीं है, हल्का और थोड़ा चलाएंगे हम इसे। तो अब ये ब्राउन हो चुका है जितना हमें चाहिए। तो हम अब ये कीमा और कलेजी है, इसे हम डाल देंगे दोस्तों। इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया था। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है दोस्तों। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे दोस्तों तेज आंच में। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। तो अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो ये जितने भी सारे मसाले हैं, इसे हमने पूरी तरह से डाल देना है। और ये जो 2 टमाटर हमने काटा था, इसे भी हम डालेंगे। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, जिसे हमने थोड़ा पानी मिला लिया है इसमें, हम ये भी डालेंगे। और हम इसी टाइम पे नमक भी ऐड करेंगे दोस्तों। मैं अपने स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों।
हम इसमें एक चीज और मिलाएंगे दोस्तों, कश्मीरी लाल मिर्च, उसे अच्छा कलर आएगा। तो हम एक बड़े चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो डालें, चाहे तो ना डालें, मैं थोड़ा कलर अच्छा आएगा इसलिए मैं डाल रही हूँ दोस्तों। हम अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अब हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे दोस्तों। हमें इसे 2 से 3 मिनट तेज आंच पे चलाना है। थोड़ा हम पानी को सूखने देंगे, उसके बाद इसे धीमी आंच में हम पकाएंगे दोस्तों 30 मिनट तक। हमें धीमी आंच में पकाना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा सा पानी मेरा सूख चुका है इसका, तो अब हम इसे ढक के पकाएंगे। और हम मटर अभी इसमें नहीं डाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मटर गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। जब हमारे 2-3 मिनट 5 मिनट बाकी रहेंगे इसे बनने में, तो हम इसमें मटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे दोस्तों, हल्की ग्रेवी वाली ही बनानी है मुझे। आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देखें दोस्तों, आपको पसंद आएगी। अब हम इसे ढक देंगे और 2-2, 3-3 मिनट 4 मिनट में चलाते रहेंगे 30 मिनट तक। तो 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, तो अब हम इसे चलाएंगे। अब इसे चलाते रहेंगे 5-5 मिनट में फिर से, और आधे घंटे के बाद ये रेडी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों 25 मिनट हो चुके हैं पूरे, और अब मटर डालने का टाइम है दोस्तों। तो अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे, और मैं 2-3 हरी मिर्च तोड़ के डाल रही हूँ दोस्तों। अगर आप तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। अब हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। तो अब हम इसे फिर से ढक देंगे दोस्तों, 5 मिनट इसे पकने देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, टोटल आधा घंटा हो चुका है। तो ये रेडी हो चुका है। तो मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखा है दोस्तों, क्योंकि ये सूखी ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों। अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने तेज आंच कर लिया है, उसमें हम मिक्स करेंगे इसे। और ये बिल्कुल रेडी हो गया है दोस्तों, अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, मैंने ये सर्व कर दिया है। तो आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। और आप बता सकते हैं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद। तो आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।